एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस स्टार्ट करने वाले वर्ड्स बताने वाली हूं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे इंग्लिश के ज्यादातर सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, और वो वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते ही उस सेंटेंस का भाव बता देते हैं, यानी कि वो सेंटेंस आप किस भाव से बोल रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आप कंफ्यूज है कि आप ऐसे ही जनरल बोल रहे हैं कैजुअली कि ज्यादातर मैं ऐसे करता हूं वाले सेंटेंसेस। तो वर्ड्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस स्टार्टेड वर्ड्स हैं। इस वीडियो को एंड तक देख के आपको पता चल जाएगा कि लेसन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से। जैसे अगर आप बोलना चाहें कि मैं ज्यादातर सुबह 7 बजे उठता हूं, तो ज्यादातर के लिए आप कैसा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे? उसके लिए मल्टीपल वर्ड्स हैं, जैसे यूजुअली, जनरली और नॉर्मली। तो ये तो मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए। वैसे ही हम बोलते हैं फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड माई ट्रेन। तो इस तरीके के वर्ड्स जो सेंटेंस के बिगनिंग में लगते हैं और उनका सेंटेंस के बिगनिंग में लगकर ही मतलब बता देते हैं, और आपकी लैंग्वेज को बहुत इंप्रूव करते हैं अगर आप अपना सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से वो वर्ड्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जिनको यूज करके आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होगी और बहुत इंप्रेसिव लगेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सेंटेंस स्टार्टर वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कैजुअल लैंग्वेज में या बोलचाल में, वो है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः या आमतौर पर, यानी इन जनरल, जो अक्सर होता है उसके लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, यूजुअली वी गो टू द रेस्टोरेंट ऑन संडेज। यूजुअली वी गो टू द रेस्टोरेंट ऑन संडेज, इसका मतलब हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं। यूजुअली हम ऐसा करते हैं, या यूजुअली मैं 7 बजे उठती हूँ। तो इस तरीके से यूजुअली का यूज़ होता है। यूजुअली का ही सिनोनिम बोलिए, या इसी के प्लेस पे अगर कोई वर्ड यूज़ किया जा सकता है तो वो है जनरली। जनरली का मतलब भी सेम होता है, आमतौर पर या सामान्य तौर पर। एग्जाम्पल, जनरली मैन आर टॉलर देन विमेन। जनरली मैन आर टॉलर देन विमेन, इसका मतलब आमतौर पर या ज़्यादातर पुरुष महिलाओं की तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। वैसे ही सेम एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, जनरली आई वेक अप एट 7 in the morning, यानी ज़्यादातर मैं 7 बजे उठती हूँ सुबह को। इस तरीके से जनरली यूज़ होता है। और इन्हीं दो वर्ड्स के जैसा थर्ड वर्ड है, वो है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब भी सेम होता है, अक्सर या सामान्यतः या सामान्य रूप से। एग्जाम्पल, नॉर्मली आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नॉर्मली आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब आमतौर पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। यहाँ पे आप जनरली भी बोल सकते हैं, जनरली आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी ज़्यादातर या आमतौर पर मैं जल्दी नहीं उठता। और यहीं पर आप यूजुअली भी यूज़ कर सकते हैं, यूजुअली आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो नॉर्मली, जनरली एंड यूजुअली तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट्स हैं, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। और राइट, नेक्स्ट वर्ड है जो सेंटेंस को स्टार्ट करने में ज़्यादातर यूज़ होता है, वो होता है पॉसिबली। पॉसिबली का मतलब होता है हो सकता है या संभवतः या शायद। पॉसिबली, एग्जाम्पल, पॉसिबली ही हैज़ लॉस्ट माई एड्रेस। पॉसिबली ही हैज़ लॉस्ट माई एड्रेस, इसका मतलब संभवतः, यानी हो सकता है उसने मेरा पता खो दिया है। पॉसिबली ऐसा हो सकता है। या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, पॉसिबली ही पास द एग्ज़ाम, यानी ऐसा संभव है कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगा। तो पॉसिबली ऐसे यूज़ होता है। और पॉसिबली का ही सिनोनिम है नेक्स्ट वर्ड, जो है परहैप्स। परहैप्स का भी सेम मतलब होता है, शायद या मुमकिन है या हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग। परहैप्स द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग, इसका मतलब शायद आज शाम को मौसम बदल जाएगा। परहैप्स, यहाँ पे आप परहैप्स के प्लेस पे पॉसिबली भी यूज़ कर सकते थे, जैसा कि मैंने कहा कि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। पॉसिबली द वेदर विल चेंज दिस इवनिंग, ओके। तो परहैप्स और पॉसिबली एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बट इन्हीं के जैसा एक और वर्ड है जो आप इसके प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, वो है प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या संभवतः है या मुमकिन है। सेम मीनिंग, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप तीनों को एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबली का एग्जांपल देखिए, प्रोबेबली आई विल बी अ लिटिल लेट फॉर द ऑफिस टुडे।
प्रोबेबली आई विल बी अ लिटिल लेट फॉर द ऑफिस टूडे, इसका मतलब शायद आज मुझे ऑफिस जाने में थोड़ी देर हो जाएगी. प्रोबेबली द वेदर विल चेंज बाय दिस इवनिंग, यानी शायद आज शाम तक मौसम चेंज हो जाएगा. तो ऐसे ही इन तीनों वर्ड्स को आप एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्टर वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज होता है कॉमनली बोलचाल में, वो है लकीली या फिर फॉर्चुनेटली. दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, दोनों के यूज़ में कुछ डिफरेंस नहीं है. लकीली या फॉर्चुनेटली दोनों का ही मतलब होता है सौभाग्य से या सौभाग्यवश. एग्जाम्पल देखिए, फॉर्चुनेटली द ट्रेन वॉज ऑन टाइम. फॉर्चुनेटली द ट्रेन वॉज ऑन टाइम, इसका मतलब सौभाग्य से ट्रेन समय पर थी, यानी ट्रेन टाइम पर थी. वैसे ही आप यहाँ पे लकीली बोल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया लकीली द ट्रेन वॉज ऑन टाइम, यानी सौभाग्य से या सौभाग्यवश ट्रेन टाइम पर थी. तो सौभाग्य से या सौभाग्यवश का मतलब होता है किस्मत से, यानी उस दिन आपकी शायद किस्मत अच्छी थी, तो उसके लिए हम लकीली या फॉर्चुनेटली वर्ड का यूज़ करते हैं. तो लकीली या फॉर्चुनेटली वर्ड का ऑपोजिट वर्ड होता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अनफॉर्चुनेटली. अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली का ऑपोजिट है, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से. एग्जाम्पल देखिए, अनफॉर्चुनेटली ब्रेन्स एंड लुक्स डोंट गो टुगेदर. अनफॉर्चुनेटली ब्रेन्स एंड लुक्स डोंट गो टुगेदर, इसका मतलब दुर्भाग्य से बुद्धि और सौंदर्य अक्सर एक जगह नहीं रहते, यानी या तो आप में बुद्धि यानी दिमाग हो सकता है या फिर सौंदर्य यानी लुक्स हो सकते हैं. ज़्यादातर केसेस में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से वो साथ में नहीं होते. या सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड माई ट्रेन टूडे. अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड माई ट्रेन टूडे, यानी दुर्भाग्य से आज मेरी ट्रेन छूट गई. तो इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली यूज़ होता है. नेक्स्ट वर्ड है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है और यूजफुल है, वो है सर्टेनली. सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से या निसंदेह या यकीनन, यानी जब आपको बहुत श्योरिटी हो किसी बात की ऐसा है ही, तब आप सर्टेनली वर्ड यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, सर्टेनली शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास. सर्टेनली शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास, इसका मतलब निश्चित रूप से वो क्लास में सबसे सुंदर लड़की है. निश्चित रूप से, सर्टेनली. सर्टेनली इट विल रेन टूडे, यानी निश्चित रूप से आज रेन होगी, यानी बारिश होगी. तो सर्टेनली का यूज होता है जब आप बहुत श्योर हैं किसी बात को लेके. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है जो सेंटेंस के बिगनिंग में यूज होता है और बहुत ज़्यादा यूज होता है, दैट इज़ अनडाउटेडली. अनडाउटेडली का मतलब होता है बेशक या निसंदेह. ये वर्ड सर्टेनली का सिनोनिम आप बोल सकते हैं. जब आपको किसी बात में शक ना हो तब आप बोलते हैं बेशक, और वहाँ पे आप अनडाउटेडली यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, अनडाउटेडली विराट कोहली इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. अनडाउटेडली विराट कोहली इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, यानी विराट कोहली निसंदेह एक महान क्रिकेटर है. आप आगे लगा रहे हैं तो निसंदेह आगे बोल दीजिए. निसंदेह विराट कोहली इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, यानी एक महान क्रिकेटर है विराट कोहली. नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंगली इनफ. अमेजिंगली इनफ का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से या सबसे आश्चर्य की बात है, यानी जब आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अमेजमेंट हो, आश्चर्य हो, तब आप अमेजिंगली इनफ वर्ड का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, अमेजिंगली इनफ वी गॉट नो रिस्पॉन्स. अमेजिंगली इनफ वी गॉट नो रिस्पॉन्स, यानी आश्चर्यजनक रूप से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, या सबसे आश्चर्य की बात है कि हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. यहाँ पे आप सिंपली अमेजिंगली का भी यूज़ कर सकते हैं. अमेजिंगली वी गॉट नो रिस्पॉन्स, यानी आश्चर्यजनक रूप से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. अमेजिंगली इनफ और अमेजिंगली दोनों यूज़ किए जा सकते हैं सेम यूज़ के लिए. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंजली इनफ. स्ट्रेंजली इनफ का मतलब होता है सेम आश्चर्यजनक रूप से या अचरज की बात है कि, यानी आश्चर्य की बात है कि, दोनों का यूज़ ऑलमोस्ट सेम है. एग्जाम्पल, स्ट्रेंजली इनफ वी ऑलरेडी न्यू ईच अदर. स्ट्रेंजली इनफ वी ऑलरेडी न्यू ईच अदर, यानी आश्चर्य की बात है कि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे. जब आपको किसी बात को लेकर बहुत आश्चर्य हो तब आप बोलते हैं स्ट्रेंज, और वैसे ही स्ट्रेंजली यूज़ होगा और उसी की जगह पे स्ट्रेंजली इनफ यूज़ होगा. तो सीधी सी बात है कि स्ट्रेंजली इनफ की जगह पे आप सिंपली स्ट्रेंजली भी बोल सकते हैं. वैसे ही इन दोनों वर्ड्स के जैसे थर्ड वर्ड या इनका सिनोनिम आप बोल सकते हैं सरप्राइजिंगली. सरप्राइजिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से या हैरानी की बात है कि, हैरानी की बात है यानी जब आप किसी बात को लेकर चौंक जाए, आपको बहुत आश्चर्य हो, तब आप बोलते हैं सरप्राइजिंगली. इसके बाद आप अपना सेंटेंस बोलते हैं. एग्जाम्पल, सरप्राइजिंगली द एग्जाम वॉज एक्सट्रीमली ईजी. सरप्राइजिंगली द एग्जाम वॉज एक्सट्रीमली ईजी,
इसका मतलब हैरानी की बात है कि परीक्षा बेहद आसान थी। तो इस तरीके से सरप्राइजिंगली या स्ट्रेंजली या अमेजिंगली यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त या संक्षेप में। जब आप बहुत सारी बातों को कंक्लूड करके आप कंक्लूजन के तौर पर शॉर्ट में कुछ बात बोलें तब आप बोलते हैं ब्रीफली। इसके बाद आप अपनी बात शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रीफली आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट देयर ऑफर। ब्रीफली आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट देयर ऑफर, इसका मतलब संक्षेप में यानी इन शॉर्ट, मुझे लगता है कि हमें उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। तो जब आप बहुत सारी बातों को कंक्लूड करके बोलते हैं तब आप बोलते हैं ब्रीफली ऐसा ऐसा, अपना ओपिनियन आप बताते हैं ब्रीफली बोल के। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब होता है बाहरी रूप से या बाहर से। एग्जाम्पल, एक्सटर्नली शी अपीयर्ड काम बट शी वॉज वेरी एंग्री विद इन। एक्सटर्नली शी अपीयर्ड काम, यानी बाहरी तौर पर या बाहरी रूप से वो शांत दिखाई दी, बट शी वॉज वेरी एंग्री विद इन, बट वो बहुत गुस्से में थी। नेक्स्ट वर्ड है पर्सनली। पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से या निजी तौर पर या खुद, यानी जब आप अपनी बात करते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं, यानी मेरे लिए ऐसा है, तब आप पर्सनली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पर्सनली आई प्रिफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। पर्सनली आई प्रिफर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, यानी व्यक्तिगत रूप से मैं ट्रेन में यात्रा करना पसंद करता हूँ। यानी आप अपनी बात कर रहे हैं, आपको दूसरों का नहीं पता, पर्सनली मैं ऐसा पसंद करता हूँ, तब आप पर्सनली का यूज़ करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वर्ड है सैडली। सिंपल सा मीनिंग है इसका कि अफसोस की बात है या दुर्भाग्यवश। हालांकि अनफॉर्चुनेटली का एग्जैक्ट मीनिंग दुर्भाग्यवश होता है, बट सैडली का मतलब यही होता है अनलकीली या अफसोस की बात है, इस तरीके से आप इन जनरल बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो सैडली के ऊपर एग्जांपल है, सैडली ही नेवर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। सैडली ही नेवर लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, यानी अफसोस की बात है कि वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। अफसोस की बात है यानी सैडली। सैडली आई लॉस्ट द गेम, यानी बहुत अफसोस की बात है या दुख की बात है कि मैं गेम हार गया। तो इस तरीके से सैडली यूज़ होता है जब आप अपनी बात को अफसोस प्रकट करने के लिए बोलते हैं, अपना दुख जताने के लिए आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो आप सैडली लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियली। सुपरफिशियली का मतलब होता है सतही तौर पर या ऊपर ऊपर से। सुपरफिशियली, एग्जाम्पल, सुपरफिशियली ही सीम्स टू बी अ गुड मैन। सुपरफिशियली ही सीम्स टू बी अ गुड मैन, यानी सतही तौर पर या ऊपरी तौर पर वो एक अच्छा इंसान लगता है। सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से, जरूरी नहीं कि वो ऐसा है। सुपरफिशियली ही ट्राइड टू हेल्प मी, यानी सतही तौर पर ऊपरी तौर पर उसने मेरी मदद करने की कोशिश की, यानी एग्जैक्टली वो आपकी मदद नहीं करना चाह रहा था, सुपरफिशियली उसने ट्राई किया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सीरियसली। सिंपल सा यूज है इसका। सीरियसली का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गंभीरता से या संजीदगी से। तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको फिर भी रिमाइंड हो जाएगा, मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल। सीरियसली आई डोंट लाइक दैट जॉब। सीरियसली आई डोंट लाइक दैट जॉब। सीरियसली मतलब गंभीरता से, यानी सच में मुझे वो जॉब पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट जॉब। तो जब आप अपनी बात को बहुत गंभीरता से बोलते हैं तो आप अपना सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करते हैं, सीरियसली वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, या सीरियसली वो एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था। तो सीरियसली ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट बहुत कॉमन वर्ड है बेसिकली। अक्सर बहुत सारे सेंटेंसेस बेसिकली से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली का मतलब होता है मूल रूप से या बुनियादी तौर पर या मूलतः। एग्जाम्पल, बेसिकली देर इज नॉट अ लॉट वी कैन डू अबाउट इट। बेसिकली देर इज नॉट अ लॉट वी कैन डू अबाउट इट, यानी बुनियादी तौर पर इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, मूल रूप से हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं बेसिकली। या आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं, बेसिकली हिज पर्पस वॉज टू हेल्प यू। बेसिकली हिज पर्पस वॉज टू हेल्प यू, यानी मेन रूप से यानी मूल रूप से वो तुम्हारी मदद करना उसका पर्पस था। तो इस तरीके से बेसिकली यूज होता है। नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड टू अवर लास्ट सेंटेंस स्टार्टर वर्ड, जो कि है फाइनली इट्सेल्फ। फाइनली है हमारा लास्ट वर्ड, जिसका मतलब होता है आखिरकार, अंत में या अंततः। इसके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे फाइनली वी मैनेज टू गेट देयर इन टाइम। फाइनली वी मैनेज टू गेट देयर इन टाइम, यानी आखिरकार या अंत में हम वहाँ समय पर पहुँचने में कामयाब रहे। फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, यानी आखिर में मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो वैसे मैं भी आपको थैंक्स ही बोलना चाहूँगी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, सो थैंक फॉर दैट टू, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके, तो
तो ये फिलहाल 21 वर्ड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। जो वर्ड्स, जो सेंटेंस स्टार्टर वर्ड्स मैंने आपको बताए वो आपको यूजफुल लगे होंगे। ये फिलहाल 21 है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो के पार्ट टू में मैं आपको और भी ऐसे सेंटेंस स्टार्टर वर्ड्स बताऊंगी। बट ये सिर्फ सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं लगते हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए वो सिर्फ सेंटेंस की बिगनिंग में नहीं लगते हैं, ये हम सेंटेंस के मिड में भी यूज कर सकते हैं एज एडवर्ब्स, जो कि मैं आपको एडवर्ब वाले लेसन में बताऊंगी। ऑलराइट, फिलहाल आप इनको ऐसे ही सीखिए, ऐसे ही यूज करिए जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल सेंटेंसेस बताए वैसे आप बहुत प्रैक्टिस करिए बना बना कर। जो जो आप मैंने आपको वर्ड्स बताया उनके ऊपर आप मल्टीपल सेंटेंसेस बनाइए उन्हीं वर्ड्स को उन्हीं फॉर्मेट में यूज करके, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव लगेगी। ऑलराइट, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे आप और वीडियोस या इस टॉपिक पर ही एक और वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, कौन सा वर्ड आपको बहुत यूजफुल लगा और कौन सा वर्ड है जो आप अपनी बोलचाल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और अगर वीडियो आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद आया लाइक से ज़्यादा तो उसे शेयर भी करिएगा, बिकॉज वीडियो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑब्वियसली आई गेट अ लिटिल हेल्प विद माई चैनल। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। ओके, सो इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।